प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन प्रभु आपसे बातें करेंगे। हम सुन रहे हैं अवचेतन मन के विषय में। अवचेतन मन में जो चीज स्टोर होती है वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करती है। अब अवचेतन मन की दृष्टि की ओर हम देख रहे हैं। अवचेतन मन की दृष्टि यदि प्रभु की ओर लगी रहे तो आप हमेशा आशीषित होंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है, भजन 34 के 5वें पद में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने प्रभु यीशु की ओर दृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी दृष्टि कहाँ है आज के दिन? आपकी दृष्टि कहाँ है आज के दिन? जिसने आपकी दृष्टि को कंट्रोल कर लिया उसने आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लिया। और प्रभु 40 साल तक दृष्टि बदल रहे थे, बस 40 साल लगे इसराइलियों की दृष्टि बदलने में और दो की बदली। लाखों इसराइलियों में से दो लोगों ने अपनी दृष्टि बदली, बाकी लोगों के अवचेतन मन में लहसुन प्याज अदरक भरे हुए थे, मिस्रियों के महल भरे हुए थे। और अवचेतन मन को साफ करना केवल इस पर निर्भर है कि आप कितना समय उसके साथ बिताते हो। आपका अवचेतन मन कितना साफ होगा ये इस पर निर्भर है कि आप अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम किसके साथ बिताते हो। और मैं प्रेयर की ही बात नहीं कर रहा हूं, प्रेयर के बाद भी आप किसके साथ होते हो, क्योंकि आप अपने अवचेतन मन में हमेशा प्रभु के साथ हो सकते हो। एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा हम वचन में आगे चलेंगे। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोलकर उसमें से जब पढ़ते हैं निर्गमन की किताब, उसका 14वां अध्याय और 15, 16 और 21वां पद, यहां पर लिखा हुआ निर्गमन 14वां अध्याय 15वें पद और 16वें पद और 21वें पद को मैं पढ़ूंगा। यहां लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, वह दो भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। यहां पर जो परिस्थिति है वो देखने में लग रही है कि बस खत्म है सब। आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है और बीच में इजरायली फंसे हुए हैं। और चेतन मन क्या कह रहा है, मौत, आगे भी मौत पीछे भी मौत। और यहां पर तट पर कब्रें भी इतनी नहीं मिल पाएंगे, हम 6 लाख लोग हैं। तो कहते यहां पर कि वहां पर कब्रें कम थी जो आप हमें यहां ले आए। वो अपने चेतन मन से देख रहे थे अपनी परिस्थितियों को, ठीक है, अपने चेतन मन से देख रहे थे परिस्थितियों को। और परमेश्वर मूसा से कहते हैं, तू दुहाई क्यों दे रहा है? तब यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा और दो भाग हो जाएगा। आपकी परिस्थिति में आप क्या देख रहे हो? क्या आपने परिस्थिति को देखा अभी तक? यदि आपने अपने परिस्थिति में प्रभु को देखना नहीं सीखा तो सही मायने में अभी आपने मसीह जीवन को सही नीति से जीना शुरू नहीं किया। धन्य वो मनुष्य है जो अपनी हर परिस्थिति में प्रभु को देखते हो, हर परिस्थिति में प्रभु को देखते हो। और प्रभु को देखने का मतलब चेतन मन से नहीं, अवचेतन मन से। जैसे आप जो वास्तव में देख रहे हो वो क्या है, परिस्थिति, आगे भी खतरा पीछे भी खतरा। चेतन मन क्या देख रहा है, कोई होप नहीं, समुद्र को क्रॉस किया ही नहीं जा सकता। हमने कभी बाप दादों से नहीं सुना तो हमारे अवचेतन मन में चढ़ा ही नहीं कि समुद्र दो भाग होता है। चेतन मन क्या देख रहा है, समस्या ही समस्या, पीड़ा ही पीड़ा, तकलीफ ही तकलीफ। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर मूसा क्या कर रहे हैं, ठहरो, खुद एक खुदा के काम को देखो जो तुम्हारे लिए करेगा। स्वाभाविक दृष्टि कह रही है यहां पर क्या होगा, लेकिन अवचेतन मन कह रहा है कि खुदा कुछ करेगा। तो आप ऑपरेट किस मन से हो रहे हो, मेरा प्रश्न है।
और जिस मन से आप ऑपरेट हो रहे हो उसमें क्या प्रभु है। यदि आप परिस्थितियों के द्वारा ऑपरेट हो रहे हैं, मेरे क्यों खतरे में, क्योंकि परिस्थिति तो आपकी विपरीत हो जाएगी। और कई बार प्रभु चाहते भी है, वचन में लिखा वो है जिज्ञासा से छिप गया, ताकि देख ले कि उसके मन में क्या है। तो प्रभु आपसे छिपते हैं जानबूझकर, जानबूझकर के प्रभु आपसे छिपते हैं, और वो आपको रियलाइज कराना चाहते हैं कि वो बिल्कुल आपके साथ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि वो देखें कि आप उनके वचन पर भरोसा रखते हो कि अपनी परिस्थितियों पर, आप उनके वचन पर भरोसा रखते हो कि आपकी गिरदगिर जो हो रहा है उस पर परमेश्वर मेरे साथ है, तब भी जब मैं लाल समुद्र से घिरा हुआ हूं, केवल तब नहीं जब मुझे बटेरे मिल रही हैं, केवल तब नहीं जब मुझे पानी मिल रहा है, ओ धन्यवाद प्रभु पानी दिया, धन्यवाद प्रभु बटेर दी, आप मेरे साथ हो, नहीं नहीं ये कोई साइन नहीं होता। प्रेज लॉर्ड। कई बार प्रभु हिजकिय्याह से प्रभु का वचन कहता है वो हिजकिय्याह से छिप गया कि देखिए कि उसके मन में क्या है। प्रभु कई बार ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, वचन में लिखा अय्यूब कहते हैं तू मेरे आगे आगे ऊपर चलता है और मुझे पता भी नहीं चलता। कई बार प्रभु आपकी परिस्थिति में ऐसे छिप जाते हैं, बिल्कुल आपके करीब होंगे लेकिन आपको पता नहीं चलने देंगे वो आपके पास है। और वो प्रभु चाहते हैं कि ऐसा हो, और वो अपने दासों को भी ऐसा कर देंगे कि अब आपसे दूर रहे, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा ये समझने के लिए, क्योंकि दास भी करीब नहीं है तो प्रभु भी करीब नहीं होंगे। प्रभु करीब होते तो दास लोग भी आ जाया करते हो बातें करते, उनके मन को भी प्रभु डाइवर्ट कर देंगे आपकी तरफ से, आप रिजेक्टेड महसूस करोगे, आप बिल्कुल अजीब सा महसूस करोगे और ऐसा आपको लगेगा कि कोई कुछ है नहीं। बस आपको रियलाइज हो जाए कि तब भी प्रभु आपके साथ है और तब भी आप प्रभु के वचन पर डिपेंड रहो। प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर इसराइलियों ने क्या कहा, हम मर जाएंगे यहाँ पर, मूसा ने खुदा की दुहाई दी और परमेश्वर ने कहा चिंता मत कर, हाथ बढ़ा समुद्र दो भाग हो जाएगा। आगे यदि हम वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो भेदियों के विषय में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गिनती किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 25वें पद से आगे लिखा हुआ है 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए, 10 नहीं 12 भेदीय भेजे गए, हर गोत्र से एक जो हेड था वो भेजा गया, कहाँ, कनान देश में, क्यों, ताकि देखा जाए कि वहां पर क्या है। अब वो लौटते हैं और कहते हैं परान नामक जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून इसराइल की सारी मंडली के पास पहुंचे, उनको सारी मंडली को संदेश दिया, उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान और उसके नगर गढ़वाले और बहुत बड़े हैं, हमने वहां अनाक वंशियों को देखा और बहुत बड़े बड़े दानव को जिनकी 6-6 उंगली पांव में और हाथ में है, और बहुत बड़े बड़े दानव हैं। दक्षिण देश में तो अमालेक बसे हुए हैं, पहाड़ी देश में हित्ती यबूसी अमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे यर्दन तट के पर कनानी बसे हुए हैं। अब ये स्थिति लोगों ने कही कि यहाँ पर हमें फल तो दिखे अच्छी बात है लेकिन हमें वहां पे बहुत बड़ी तकलीफ दिख रही है, और यहाँ पर 10 लोगों ने एक ही बात पे सहमत हुए, उनका जो जीवन जीने का तरीका था वो चेतन मन पर था निर्भर, वो ऑपरेट हो रहे थे अपने मन के चेतन वाले भाग से, वो बस देखते थे परिस्थिति कैसी है, हम लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 33वां पद कहता है हमने वहां नपीलियों को देखा, 33वें पद में हमने वहां नपीलियों को देखा अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान देख पड़ते थे, ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। यहाँ पर एक चीज है बहुत अच्छी चीज है कि हम अपनी दृष्टि में टिड्डी की तरह थे, हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डी की तरह थे, हमने अपने आप को देखा और हमको लगा कि हम टिड्डी हैं इसलिए उनको लगा कि हम टिड्डी हैं। इसका मतलब ये शत्रु आपको वैसे देखता है जैसे आप अपने आप को देखते हैं। क्या आप नहीं समझे, शत्रु आपके मन को नहीं पढ़ सकता लेकिन आपकी क्रियाओं को देखता है, और आप जो मन में सोचते हो वैसे ही आप करते हो और जैसा आप करते हो वैसे ही आपको देखा जाता है और समझा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने मन ही मन प्रभु से कहता हूँ प्रभु मैं पापी हूँ, ऊंची आवाज में बोलता नहीं होता प्रभु मैं पापी हूँ पापी हूँ पापी हूँ पापी हूँ पापी हूँ, क्योंकि मेरा ये कहना है कि मैं पापी हूँ शैतान को बल देता है।
प्रभु मैं से योग नहीं, मैं पापी हूं, मैं ओ मेरे प्रियो, यदि आप आपके आपको यदि सेंसिटिविटी आ जाए तो आप अपने जीवन की परिस्थिति और अपने घर और अपने वातावरण को इतनी जल्दी बदलते हो, देखोगे आप नेगेटिव शब्द आपकी एटमॉस्फेयर को चेंज कर देते हैं, क्रिपल कर देते हैं आपको, आपके पोटेंशियल को लकवा लग जाता है। भाग जाना मेरे भाई, जो लोग ऐसे वातावरण बनाए, चाहे वो आपके घर वाले क्यों ना हो। कई बार आत्मा में महसूस करता हूं कि कई बार ऐसे, चाहे मेरे घर में चाहे बाहर के घर में, ऐसा वातावरण बनता है जहां पर मेरे पोटेंशियल को नहीं समझा जाता और वहां मैं मेरे पोटेंशियल को लकवा सा लगने लगता है और मैं वहां चढ़ जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। गलील में यीशु ने आश्चर्यकर्म इसलिए किए क्योंकि उन लोगों का चेतन मन ये कहता था ये तो नासरत से आया है। इंट्रोडक्शन ही ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा आश्चर्यकर्म यीशु मसीह ने कर दिया, लोगों को पता चला अरे भैया ये तो कोई भविष्यवक्ता है। करते 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 चंगाई अधूरी हो गई, उनका चेतन मन कहने लगा यीशु जहां है वहां चंगाई है, यीशु जहां है वहां आजादी है, यीशु जहां है वहां भरपूरी है आजादी है। लेकिन नासरत में लोगों का चेतन मन क्या कह रहा था, ये तो यूसुफ बड़े ही के पुत्र यीशु हैं, इनकी बहनें हमारे पास रहती हैं, इनके भाई हमारे साथ रहते हैं और ये सामान्य बड़े ही का पुत्र है, ये कुछ भी नहीं है। उनका चेतन मन किसी और जगह देख रहा था, गलीलियों का चेतन मन किसी और जगह देख रहा था, यीशु मसीह को वो अलग रीति से देख रहे थे और सोच रहे थे। यहां पर आप देखते हैं 10 लोग क्या बोलते हैं कि हमारी दृष्टि में हम उनके सामने टिड्डी की तरह थे, तो उनकी दृष्टि में हम ऐसे ही मालूम होते थे, मतलब मालूम होते थे नहीं मालूम होते थे नहीं। आप अपने आप को जैसा सोचते हो वैसे ही सामने वाले को आप मालूम पड़ते हो, आप रिएक्ट जैसा करते हो वैसे ही आप मालूम पड़ते हो उन लोगों को। आप रिएक्ट कैसे करते हो परिस्थितियों में, आपका रिएक्शन। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका रिएक्शन कैसा है, आप परिस्थिति में कैसा रिएक्ट करते हो। हाल ही में भाई को रूम बदलना था, परिस्थिति ऐसी थी, हमको अल्टीमेटम दे दिया गया था कि तुम्हें शनिवार तक तुम्हें खाली करना ही है, और आ आके वो टॉर्चर कर रहे, आ आके वो परेशान कर रहे और बार बार हमसे बातें कर रहे, तुम ये नहीं करते, तुम सफाई नहीं करते, हम ये नहीं करते, मोहल्ले वाली गवाही देते तुम सफाई कितनी करते हो। सो वो लोग हमें टॉर्चर कर रहे थे और हमें प्रेशराइज कर रहे थे और हम लोग दिन भर कूलर में बैठकर दुआ करते थे। इसने मुझसे कहा कि भैया आप कुछ कर क्यों नहीं रहो। मैंने कहा प्रभु अपना काम कर रहे हैं, मेरे करने से कुछ नहीं हो सकता। मेरी लाइफ को आप देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत बड़ा आलसी बंदा है, हमें 10 तारीख तक खाली करना है और मैं मकान देखने नहीं जा रहा। जब हमें वहां से मकान चेंज करना था हम घर में आराम करते थे। प्रेज द लॉर्ड। अनाकवंशियों को देखकर उनका रिएक्शन ऐसा था ओ हम मरे। यदि आज मैं अपना पॉकेट देखूं तो मैं बोलूंगा कि अरे यार मैं 5,000 नहीं दे सकता, मैं 5,000 नहीं दे सकता, मैं रेंट नहीं दे सकता, मैं अपना पॉकेट देखूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो जितना मेरे पास आता है, लेकिन सच बताऊं वो भी 5,000 नहीं आता कभी। मिला के महीने का टोटल प्रभु की महिमा के लिए बता रहा हूं, ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैं किसी सैलरी पर डिपेंड हूं, उसके ऊपर ही मेरे खर्चा लगे। नो विजिटिंग, नो कुछ 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 नहीं, मैं पॉकेट देखूं और यदि मैं पैसा देखूं और मैं चेतन मन के अनुसार चलूं तो भैया मेरे तरह तो पीड़ित कोई है ही नहीं। मुझे सेवा की टेंशन, मुझे कलीसिया की टेंशन, लोग पीछे जा रहे वो टेंशन, तंत्रविद्या हो रही वो टेंशन, घर का रेंट वो टेंशन, परिवार की टेंशन, खुद की लाइफ की पर्सनल टेंशन, खुद की पर्सनल लाइफ की प्रेयर की टेंशन, दुनिया भर की टेंशन से दबा हुआ एक सेवक बस उसकी दृष्टि बदली है खुदा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप कहां देख रहे हो भाई, मेरे 2 साल तक आपने जॉब नहीं करी ताकि आपकी दृष्टि बदल जाए।
40 साल तक वो जंगल में रहे ताकि उनकी दृष्टि बदल जाए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 10 लोगों की दृष्टि नहीं बदली, वो कहते हैं कि हम उनकी दृष्टि में भी टिड्डी के समान थे। मैं केवल खुदा की महिमा के लिए बताता हूँ, और मैं मुझे पता है। जिन्होंने मुझसे कहा था कि भैया आप कुछ नहीं कर रहे हो, बाद में उन्होंने कहा भैया प्रभु ने, हमने कब घर बदला था आपको, कल रात में मैं 10 बजे इनके घर से आया हूँ, एंड टाइम पे बात हुई, एंड टाइम पे ऑटो आया, एंड टाइम पे बैगिंग हुई, सब एंड टाइम पे। प्रभु चाहते हैं कि आप आखिरी दम तक देखो और वहां भी स्थिर बने रहो, कांपने ना लग जाओ, ओ आप क्या करेंगे, बाप रे मरे, मृत्यु भी आ जाए ना तो भी वेट करो, और मरने वाले भी हो तो सोच लो प्रभु मरने के बाद जिंदा कर देगा, घुटने मत टेकना, कभी घुटने मत टेकना, कभी घुटने मत टेकना, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी मोमेंट है, मैंने देखा प्रभु आखिरी मोमेंट तक, नहीं नहीं प्रभु 10 दिन का समय दिया, 7 तारीख को ही कर दे ताकि ऐसा नहीं होगा, हो सकता 10 तारीख को वो आगे खड़े हो जाए और आप कहो कि हमारे पास मकान नहीं, और फिर आप से प्रभु कहे कोई बात नहीं ऑटो ला और सामान रख मैं तुझे ले जाऊंगा, कहां कोई फर्क नहीं पड़ता, कहां तू सामान रख, आपने सामान रख दिया, आप ड्राइवर बोल रहा है चलना कहां है, चलो तो भैया रोड पे, तो प्रभु कहां सीधे ले, प्रभु ऐसे भी कर सकते हैं, आप वेट करें बस, हम विश्वास से चलने वाले लोग, प्रेज द लॉर्ड, दृष्टि से नहीं चलते हम, विश्वास से चलने वाले लोग, हमारे साथ जो होगा अच्छा होगा क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, और हमारी दृष्टि अवचेतन मन पे लगी हुई है, अवचेतन मन प्रभु की ओर लगा हुआ है, चेतन मन कह रहा है कि परिस्थिति बिल्कुल खराब है भाई, बिल्कुल खराब है, लेकिन चेतन अवचेतन मन कह रहा है कि प्रभु हमारे साथ है। यहां पर देखो कालेब क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से ये आपको मिलेगा 30 पद, परंतु कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। ये कौन सी बात है, ये कौन सी दृष्टि है, हम ऐसा कर सकते हैं, ये कौन सी दृष्टि है, इतना बड़ा गोलियत देख रहा है और मेरे पास तलवार भी नहीं है, मेरे पास पत्थर है, वो एक पत्थर से मैं उसको मार दूंगा, वो गिर जाएगा, वो कहते दाऊद राजा कितने कॉन्फिडेंस के कहते थे, क्या बोलते हैं, मैं तेरा तेरा शव खिलाऊंगा, है ना, कुत्तों को खिलाऊंगा, पक्षियों को खिलाऊंगा मैं, अब भी तू गिरेगा, अब भी तू जाएगा, वाह, ये है अवचेतन मन, और इसमें प्रभु होना चाहिए, और अवचेतन मन में हमेशा प्रभु की ओर दृष्टि होना चाहिए, अवचेतन मन की दृष्टि आपकी प्रभु की ओर होना चाहिए, प्रभु का वचन कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, कैसे अवचेतन मन से, परिस्थितियों में तो प्रभु दिख ही नहीं रहे आपको, परिस्थिति में प्रभु बात भी नहीं कर रहे, कोई भविष्यवाणी नहीं, कोई वचन नहीं, और संगति से भी दूर और सबसे दूर, और आपको लग रहा है आपके जीवन में इतने पाप आ गए, परिस्थिति पापों से घिरी हुई है, और आपको लग रहा है कि अब मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया, और अब तो पुकार भी रहा हूं तो लग ही नहीं रहा कि पुकारूं, और ऐसा लग रहा है कि अनजाना, मुझे महसूस ही नहीं हो रहा प्रभु मेरा है, ऐसा लग रहा प्रभु आप किसी के थ्रू मैं बात कर लूं आपसे, मैं तो इतने क्लोज नहीं हूं कि मैं डायरेक्ट आपसे बात भी कर सकूं, परिस्थिति मेरी ऐसी विपरीत है, मेरा चेतन मन कह रहा है कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, लेकिन फिर भी मैं प्रभु को पुकारूंगा, वचन में लिखा है संकट में मैं उसको पुकारूंगा, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मेरा चेतन मन अवचेतन मन कह रहा है प्रभु मेरे साथ, इस बात को अपने अवचेतन मन में हमेशा घुसा लेंगे। जो मिनाती कलीसिया में जब मैं शुरुआत में जाता था, वहां एक बहन आई और वो बहुत विश्वास में बढ़ने लगी, और जैसे वो विश्वास में बढ़ने लगी प्रभु मेरे मन को उभारने लगे कि उसकी शादी बहुत शीघ्र होने वाली है, और मैंने उस शाम की सभा में जब मैं खड़ा हुआ था प्रभु ने मुझे वचन दिया, और फिर मैंने उससे बस एक चीज कही, बहन प्रभु आपके लिए मुझसे कह रहा है चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, और प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी मैं उससे एक कहूँ, और जब मैं उससे कह रहा था बस मैंने उससे एक ही चीज बोली, प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, और आपकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी आप प्रभु को छोड़ दोगे, प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, याद रखना आपकी शादी हो जाएगी आप प्रभु से बहुत दूर हो जाओगे, आप बहुत पीछे चले जाओगे, कभी आपको ध्यान आए यीशु का नाम भी कभी आपको सुनने को मिले तो बस ये चीज याद रखना, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे नहीं त्यागेगा, ऐसे ही वो उसकी शादी हो गई, प्रभु उपस्थिति प्रेम संगति विश्वासी पास्टर सब भूल गए, उसके पोस्ट से समझ में आता है ये अन्य जाति लड़की है। एक दिन फेसबुक पे उससे बात हुई और मैंने प्रभु के बारे में बोला, उसको याद आया, हाँ मैंने उसको फिर वही वचन बोला, प्रभु आपको कभी नहीं भेजो, क्या आपके अवचेतन मन में ये चीज घुसी हुई है, चाहे आप कैसी पाप कर लो, चाहे आप कैसी परिस्थिति में आ जाओ,
चाहे आप गंदे से गंदा इंसान बन जाओ, चाहे आप सुअरों की फल्ली खाने लग जाओ, पिता का सब उड़ा दो, आप कुछ भी कर लो, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा, वहां भी आपके साथ। ये वचन मुझे बल देता है, बस ये वचन है मुझे बचा लेता है। एक यही वचन है जो मेरे मन में हमेशा घुसा हुआ है और वो घुस गया, खुदा का धन्यवाद हो, मेरे मन में हमेशा से घुसा रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। कैसी भी परिस्थिति हो, प्रभु का वचन कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे, कोई तुझे मेरे प्रेम से अलग कर ही नहीं सकता। ये बात मेरे अवचेतन मन में समाई हुई है, परिस्थिति तो बहुत विपरीत है मेरी, लेकिन मेरा मन कहता है प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरी दृष्टि उसके वचन पर है, मैं उसकी ओर देखना चाहता हूं। मेरी दुआ है प्रभु आपके मन को ऐसा बना दे कि आप लोग केवल प्रभु यीशु की ओर देखें, क्योंकि शत्रु क्या दिखाना चाहता है आपको, हार दिखाता है, कमी दिखाता है, घटी दिखाता है, बड़ा तामझाम दिखाता है। गिदोन को प्रभु क्या कह रहे हैं, तू शूरवीर सूरमा है, एक बंदा जो इतना डरपोक है उससे कहा जा रहा है तू शूरवीर सूरमा है। जब खुदा आपसे बात करते हैं तो वो आपकी प्रेजेंट कंडीशन पे तो डिपेंड होकर बात ही नहीं करते हैं, आपकी प्रेजेंट कंडीशन कैसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो हो जो खुदा की दृष्टि में हो, खुदा स्वयं आपको वैसे नहीं देख रहे जैसे आज आप हो, खुदा स्वयं आपको वैसे नहीं देख रहे जैसे आज आप हो, तो आज आप जो हो वैसे क्यों देख रहे हो अपने आप को? आप वो नहीं हो जो आज आप हो, आप वो हो जो खुदा की दृष्टि में हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रूथ की स्थिति देखो आप, इसराइल में बोआज के घर में जब कटनी चल रही थी तो वहां पर बारें मिल रही थी, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन खुदा की दृष्टि में रूथ क्या थी, अन्य स्त्री। यीशे की दृष्टि में दाऊद क्या थे, उनके सबसे छोटे बेटे, वो एक और है वो भेड़ चराता है। पूरे इज़राइल में खुदा के लिए वो राजा, प्रभु ने उसको राज्य अभिषेक किया, बाद में भी वो चरागाही करते थे लेकिन प्रभु ने उनको नहीं छोड़ा। और खुदा की दृष्टि जब उस दास के ऊपर वैसे ही बनी रही तो वो दास वो बन गया जो खुदा की दृष्टि। मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूं, खुदा की एक विशेष दृष्टि आपके लिए है और जब भी आपको देखते हैं वो उसी दृष्टि से देखते हैं, उसी दृष्टि से सोचते हैं। एक लड़के से बोलते तू मेरी सेवा करेगा, मैं तो अभी लड़का हूं, मटके में लड़का हूं, मैं तुझे देख ही नहीं रहा हूं लड़के के रूप में, मुझे तुझे देख नहीं रहा हूं वीक वीक पर्सन के रूप में, मैं तुझे ऐसे देख ही नहीं रहा हूं, तू क्यों कह रहा है? क्योंकि तू चेतन मन में ऑपरेट हो रहा है, तेरा चेतन मन कहता है मैं बच्चा हूं, तेरे घर वाले कहते हैं तू बच्चा है, लेकिन मेरी दृष्टि में खुदा का दास और जातियों का भविष्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप खुदा की दृष्टि में दास हो। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ इससे पहले कि लोगों ने मुझे दास के रूप में एक्सेप्ट किया, इवन मेरे घर वालों ने मुझे दास के रूप में एक्सेप्ट किया, खुदा ने मुझे बताया मैं उसकी दृष्टि में दास, और जब उसने मुझे बताया तब मैं भी अपनी दृष्टि में दास नहीं। मुझे आज भी अपनी वो प्रार्थना याद है जब मैं कहता था प्रभु मैं पास्टर तो बन नहीं सकता लाइफ में कभी, क्योंकि मेरे काम ऐसे रहे नहीं है, मुझे कोई कलीसिया का छोटा काम मैनेजमेंट को जैसा दे देना। और आपको आपको पुराने लोगों को याद होगा विक्की भाई और हम, याद करो विक्की भाई उन दिनों को जब केवल हम कुर्सी लगाया करते थे, बस मैनेजमेंट किया करते थे, पानी लाना, किराना लाना, ये वाले हमारे काम थे और इसको दिल से करते थे बस। Praise the Lord. दोनों ने आत्मा का अभिषेक नहीं पाया था और हम इतने ज्यादा एक जैसे थे, मैं और विक्की भैया एक जैसे, एक जैसी सोच, एक जैसे प्रलोभन, एक जैसी परीक्षाएं,
एक जैसी परिस्थितियां, एक ही जैसा सब कुछ। कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं सेवक बनूंगा, और प्रार्थना भी करी प्रभु मैं तो इस मैं नहीं कर पाऊंगा ये सारी चीजें, याजक तो आप मुझे बनूंगा ही नहीं मैं, क्योंकि मुझे क्या आप भी बनाएंगे मुझे, इसलिए आप मुझे एक ऐसा इंसान बना दें जो जवाबदारी को 100% पूरी करे, बस एक अच्छा इंसान बना दें। लोग मुझे आवारा लड़का, गंदा लड़का, गंदी नजर वाला लड़का, गंदे बातों वाला लड़का सोचते हैं, बस प्रभु मेरी इमेज को इतना अच्छा कर दो लोग कहें कि अच्छा लड़का। तब प्रभु, जब प्रभु ने मुझसे बात करी, तू तो मेरा दास है, प्रभु ने मुझसे कहा था तू शुरू ही सुरमा है, जब मैं टॉयलेट भी करने के लिए जाता था मुझे हड्डी कांपती थी, मैं रात में टॉयलेट भी नहीं जाता था, प्रभु ने मुझसे कहा तू शुरू ही सुरमा है, तू युद्ध करेगा, तू योद्धा है मेरी दृष्टि में। प्रभु की वो दृष्टि, और उस दृष्टि से खुदा मुझे देखा करते थे, उसी दृष्टि से प्रभु मुझे देखा करते थे। मेरी परिस्थिति विपरीत थी, लेकिन प्रभु की दृष्टि मुझको बनी रही, और प्रभु की दृष्टि ने मुझे आज बनाया। प्रभु की दृष्टि ने मुझे आज बनाया और आज आगे भी बनाएंगे, क्योंकि अभी भी मैं वो बना नहीं हूँ जो उनकी दृष्टि है। अभी भी मैं नहीं बना हूँ, अभी भी आप नहीं बने हो, लेकिन खुदा आपको अपने सेवक के रूप में देख रहे हैं, दास के रूप में देख रहे हैं, भविष्यता के रूप में देख रहे हैं। चाहे आप अबोध बालक हो, छोटे बच्चे हो, फर्क नहीं पड़ता, प्रभु आपको अपना सेवक, अपना बेटा, अपनी बेटी के रूप में देख रहे हैं। आप भी खुदा की दृष्टि को प्राप्त करो। यहाँ पर कालेब ने प्राप्त किया, बोलता हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास शक्ति है। तो शत्रु क्या करता है, परिस्थिति दिखाकर आपसे कहता है कि आप कन्विंस हो जाओ कि आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ कोई हो भी नहीं सकता, और आप इस लायक भी नहीं हो कि आप प्रभु के पीछे चलो। आपको नहीं लगता कितनी बार आपको मुझे कन्विंस करने की परिस्थितियों के द्वारा कोशिश की गई कि हम ईश्वर के पीछे चलने के योग्य नहीं, और ये कोशिश प्रभु ईश्वर नहीं करेंगे। तो ये हम कन्विंस होते होते बचे हैं, और हमने तो मान लिया था, छोड़ा उनने ही नहीं भाई, मेरी तो मैंने तो मान लिया था प्रभु आप मान, मैं आपको साइन करके दे सकता हूं, मुझे गारंटी है अपन नहीं है लाइक 100% श्योर, मैं गारंटी ले रहा हूं मेरी, मैं ये लायक ही नहीं हूं आपके, लेकिन खुदा की दृष्टि फिर भी नहीं बदली। मैं जैसे उनके पास जाता वो वैसे ही वही प्रेम, वही अभिषेक, वही सामर्थ, वही सप्लाई चालू कर देते, जैसे वो देख ही नहीं रहे मुझे उस तरीके से जैसे मैं देख रहा हूं अपने आप को, उस तरीके से वो मेरी प्रेजेंट कंडीशन को नहीं देखते, वो अपने मन के अनुसार अपनी दृष्टि से मुझे देखते हैं, और उनकी दृष्टि कब से एक जैसी बनी हुई है, टोटल फोकस अनंत काल से, पृथ्वी भी नहीं बनी तब से मैं उनकी दृष्टि में वो ही हूं। वाह, प्रेज द लॉर्ड। ये है अवचेतन मन जो हमेशा फोकस कर सकता है, ना सिर्फ 38 वर्ष, जीवन भर से। प्रेज द लॉर्ड, फोकस कर सकता है। आप परमेश्वर का फोकस आपके लिए है कि आप उसके बच्चे हो, क्या आपका फोकस आप परमेश्वर के लिए है कि वो आपका परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आप जैसा रिएक्ट करोगे वैसे ही शत्रु को लगेगा आपको, क्योंकि उसने ना आपके दिल को पढ़ा, ना आपके प्राण को जानता है, ना आपके मन को पढ़ सकता है, वो ही नहीं जानता। आपका ऊपर का रिएक्शन बताता है कि आप क्या हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम उनकी दृष्टि में वो थे जो हम अपनी दृष्टि में थे, हम अपनी दृष्टि में दास हैं तो हम शत्रु की दृष्टि में सेवक। प्रेज द लॉर्ड। इसे सबसे पहले तो ये पता करो कि खुदा की दृष्टि में आप क्या हो, फिर वैसा रिएक्ट करो। कई बार लोग गलती करते हैं, उदास होते नहीं, दास की तरह सोचने लगते और रिएक्ट करने लगते, तो शैतान को लगता है वो दास है, और दासों के ऊपर जो भयानक अटैक होते हैं वो उन पर भेजता है और वो लोग खत्म हो जाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? उसको नहीं पता आप दास हो नहीं हो, उसको बस मीटिंग में ये देखता है किसके ऊपर सुराज ने हाथ रखा या सेवक ने हाथ रखा सुराज के ऊपर, और ये डिक्लेयर किया खुदा के आत्मा से परिपूर्ण, तू आज से खुदा का दास है, बस पंगे शुरू। उसको नहीं पता, वो तो मुंह से और रिएक्शन से जो होता है उसको देखता है। इसलिए बी वेरी केयरफुल, यदि आप सेवक के क्लोज हो
जब भी आप सेवक का क्लोज हो उसकी सुरक्षा भी मिलती है और उसके अटैक भी मिलते हैं। ज्यादा अनुभव हुआ होगा कभी आपको, हो चुका है ना। जैसे खुदा की दृष्टि में आपको अगर आपको पता चल जाए तो आप वैसे ही रिएक्ट करने लगते हो, और जैसा आप रिएक्ट करने लगते हो परिस्थितियां वैसी आपके लिए बनने लगती है। लेकिन यदि आप वो नहीं हो जो आप सोच रहे हो तो खतरा है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। जैसे आप राजा हो लेकिन आपको लग रहा आप भिखारी हो तो आप वैसे ही रिएक्ट करोगे, खतरा है। आप भिखारी हो लेकिन आपको लग रहा राजा हो तो आप वैसे ही रिएक्ट करोगे, वो भी खतरा है। आप वो रिएक्ट करो जो खुदा की दृष्टि में आप हो। Praise the Lord. और आपके अवचेतन मन को प्रभु वो कॉन्शियस दे ताकि आपको रियलाइज हो कि आप कौन हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बताने वाला कोई और नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आप वास्तव में क्या हो, पता है लोग जानते ही, क्योंकि प्रेजेंट में आप हो नहीं। Praise the Lord. तो आपको पता कैसे चलेगा आप कौन, जिसके लिए आप हो उसके साथ संबंधता हो। आप यदि खुदा के साथ समय बिताने लग जाओगे आप अपने आप को वैसे लेने लग जाओगे जैसे खुदा की दृष्टि में, और जब आप अपने आप को वैसे देखने लग जाओगे जैसे आप प्रभु की दृष्टि में हो तो आप दुआ करके जब निकलोगे ना आप रिएक्ट में वैसे करोगे जैसे आप प्रभु की दृष्टि में, और आपका वो रिएक्शन बताएगा लोगों को कि आप क्या हो। लोग आपको कभी ना बताएं आप कौन हो, आपका रिएक्शन बताता है लोगों को कि आप हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना के दासों ने प्रभु यीशु के पास आकर कहा, क्या तू ही मसीहा है या हम किसी और की बात जो है। प्रभु ने कहा, मेरे पांव को देख लो, यूहन्ना को बता दो, मेरा रिएक्शन देख लो और उसको बता दो। से कभी नहीं कहा मैं परमेश्वर आपको जो कहते हैं, अंधे देखते हैं, कपड़े चलते हैं, बीमार चंगे होते हैं और सुसमाचार प्रचार किया जाता है, परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार किया जाता है कि परमेश्वर के पुत्र के अलावा कोई कर नहीं सकता। किसी ने कहा मार्ग सत्य जीवन में बोली और रिएक्शन बता रही थी तो यीशु परमेश्वर का बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या हो आपकी बोली और रिएक्शन बताता है, लेकिन आप वो हो जो आप सोचते हो कि आप हो। प्रॉब्लम ये है, प्रभु आपके लिए कुछ और सोच रखते हैं, आप अपने लिए कुछ और सोच रखते हो। प्रभु आपको सूक्ष्म समझते हैं और आप क्या सोच रहे हो, गिदोन क्या सोच रहे थे, अरे बाप रे मिघान, हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, और उन वो लोग आते हैं बिहार, बिहारी लोग क्या करते थे, एक तो इजराइली लोग झुंड में छोटे थे, बिहारी लोग बहुत बड़े थे, और इसराइल लोग खेती करते, मेघानी लोग आते जब फसल कटने का समय और खले में अनाज रखा होता, मेघानी लोग चढ़ाई करके ले जा रहे करते थे। तो गिदोन वहां पर एक नौजवान थे और वो कहते वो क्या कर रहे थे, गेहूं को छुपा रहे थे, कहां पर, तखरस के कुंड में गेहूं को छुपा रहे थे, और जब वो छुपा रहे थे इनका एक स्वर्गदूत आता है, धूम धूम करके स्वर्गदूत बोलते हे शूरवीर सूरमा, वाह प्रभु आपसे इंट्रो ही ऐसा करते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे बात की शुरुआत ही ऐसा करते हैं कि आपको लगे प्रभु आप कंफ्यूज हो कि क्या हो, क्या प्रॉब्लम क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पत्ते झड़ जाते हैं और आपको एक नई सोच और विचार मिलता है आपके ही लिए कि आप क्या हो। वो डर के पहले गेहूं छुपाते थे, फिर वो 300 को लेकर बड़ी जीत जीतते हैं, और इतनी बड़ी जीत जीत जाते हैं क्योंकि खुदा ने उनकी दृष्टि को बदला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मसीही लोग कौन हैं जिनकी दृष्टि बदल गई है, धर्म नहीं बदलता, दृष्टि बदल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग जिनके माँ बाप या परिवार वाले या रिश्तेदार प्रभु में नहीं आए, उन लोगों की दृष्टि में आज भी आप वही हो, लेकिन आपकी दृष्टि में आप वो नहीं हो, कलीसिया की दृष्टि में आप वो नहीं हो। कलीसिया आपको पापी के रूप में नहीं मानती, आप चाहे कितनी गवाही दे दो कि मैं पापी हूं, लेकिन कलीसिया आपको देखती नहीं वैसे, प्रभु आपको देखते नहीं वैसे, आप कलीसिया की दृष्टि में अलग इंसान हो,
मैं तो सुराज ही हूं अपने दोस्तों के लिए, लेकिन आपके लिए दास हूं। वो कैसे हुआ? सबसे पहले उसकी दृष्टि थी, बाद में उसने मेरी दृष्टि बदली, मेरे रिएक्शन और बोली और एक्शन से लोगों की दृष्टि बदली। प्रेज द लॉर्ड। ये सब कुछ की शुरुआत प्रभु ने अपने मन में आपके लिए जो सोचा था वो उसमें दृढ़ रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसराइलियों के लिए कई बार प्रभु ने वो नहीं सोचा जो इसराइलियों ने किया। वचन में लिखा हुआ ये तो मेरे चित्त में भी नहीं आया था जो पाप तुमने कर दिया। इन्होंने पढ़ा इस बात, मैंने भी नहीं सोचा तुम इतना कठिन काम करोगे तुम लोग, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन उनका वो काम भी परमेश्वर की दृष्टि को नहीं बदल पाया। और आपको पता है वो तकलीफ में भी पड़ते थे, बड़ी योजना के साथ पड़ते थे। क्यों? क्योंकि पता है आपको, क्योंकि इसराइलियों को हमेशा बांटा गया ताकि उनके जो जीन है वो कन्वर्ट हो जाए, प्योर जीन खत्म हो जाए। यदि प्योर जीन खत्म हो जाता ना तो यीशु मसीह नहीं आ पाते इस धरती। प्रॉब्लम ये है। तो प्रभु उनके जीन को बचाने के लिए विक्टोरिया उनको बंधुआई में डाल देते, जाओ बेबीलोन तुम्हारा जीन नहीं बदलने दूंगा। क्यों? क्योंकि हित्ती परिज्जी मोनी अमोनी इनसे तो विवाह कर लेते थे, तो जनरेशन जो निकलती थी वो मिक्सचर होता था, प्योर ब्रीड नहीं होता, प्योर जनरेशन नहीं, प्योर जीन नहीं होता। और इसको बदलने की कोशिश कहां की? स्वर्गदूतों को भेजा गया। उत्पत्ति छठवें अध्याय में इसराइलियों के पूरे जनरेशन को बदला गया, स्वर्गदूतों को भेजा गया और उन्होंने स्त्रियों से संपर्क किया और वहां पर जो पैदा हुए वो शूरवीर और दानव थे, बड़े बड़े इंसान, दो दो तीन तीन मंजिल के इंसान। और ब्रीड इतनी खतरनाक हो गई थी विक्टोरिया कि जानवर और इंसानों में कोई भेद नहीं था, इसलिए जल प्रलय आया। आपको पता है जो प्योर था वो न्यू था, बस कोई बचा। और अनुग्रह की दृष्टि उस पर ही हुई। क्यों? क्योंकि वो प्योर था। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना इस बात को, प्रभु उनके जीन को वहां से प्रोटेक्ट करते आ रहे थे, बेबीलोन में भेज दिया ताकि उनके जीन करप्ट ना हो जाए अन्य जातियों से, ताकि परमेश्वर का पुत्र यहूदा गोत्र का सिंह बने मिश। और उस जीन की लड़ाई अदन की वाटिका से निकलते ही हो रही थी, क्योंकि शैतान से कहा था इस स्त्री का वंश तेरे सर को कुछ लेगा। उन्होंने कहा मैं इस वंश को खत्म करूंगा। सबसे पहले हाबिल को मारा, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद ये कहा गया ओके ओके ओके, सबूतों की बड़ी टोली आई और करप्ट कर दिया मनुष्य। खुदा का धन्यवाद। और 9 बजे इंसान नहीं थे, जो धरती पर हो रही थी, और हनोक इस बात को जानते थे और वो पृथ्वी से हटे हुए थे। और जब मतुशेले का जन्म हुआ, जब हनोक पैदा थे, यहां तक कि नूह के जन्म पे भी हनोक पैदा थे, जानते हैं बस अच्छे से पढ़े। तो नूह ने अपने परदादा हनोक से समझा था कि हमें करप्ट नहीं करना है अपने आप को, और उन्होंने अपने जीन को कंट्रोल किया। कहीं ना कहीं खुदा ने ऐसा किया। और वहां पर देखते हैं मतुशेले का जन्म होता है 65 वर्ष की उम्र में नूह के। उसके बाद जब मतुशेले का जन्म होता है, मतुशेले का जन्म एक नई दौर की शुरुआत हो गई। लेकिन उसके जन्म के तुरंत बाद जब लोगों के घर में बच्चे पैदा होने लगे, तो स्वर्गदूतों जैसे बच्चे पैदा होने लगे, पंख के साथ, रोशनी के साथ, रोम के साथ श्वेत बच्चे पैदा होने लगे। और वो बुराई देखकर परमेश्वर ने कहा कि मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। वो ब्रीड मिक्सचर हो गई थी, दानव थे और उन्हीं के अवशेष मिलते हैं इस धरती पर। इतने बड़े बड़े हाथ, इतने बड़े बड़े पैर, बहुत बड़े बड़े, जो
क्योंकि उनको पावर जो मिल रही थी वो पुरुषों वाली नहीं थी, उनके जीन अलग थे, वो ह्यूमन नहीं थे और उनका नेचर भी डिमोनिक था क्योंकि वो डिमोनिक रीति से हुए थे, खुदा की इच्छा से नहीं पैदा हुए थे वो लोग। प्रभु का वचन साफ कहता है, बाइबल को ढंग से पढ़ो, आप पढ़ोगे वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु हमेशा प्रोटेक्ट करे इसराइल के बीज को। वही बीज प्योर मिलता है किसमें, अब्राहम में, इसलिए अब्राहम से कहते हैं चंद। अब जब अब्राहम को लेकर गए तो वहां पर शत्रु ने कहा हाजिरा भेजो मिक्सर करो, प्रभु ने कहा इश्माइल से नहीं होगा, तेरा वंश इसहाक से होगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर इसहाक ने क्या बोला, याकूब और ऐसा से कनानी स्त्री नहीं ब्याना, अपने ही कुल में शादी करो, मिक्सर नहीं होना। याकूब तो अपने मामा के घर में गया और मिक्सर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ने क्या किया, पिता को प्रॉब्लम है कनानी स्त्री से, जाकर उससे ही शादी करूंगा, उसने उससे ही शादी करूंगा। प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। वहां पर जीनोलॉजी चलती है और जैसे ही वो लोग ज्यादा पूजा और ज्यादा प्रकार का वो काम करते, प्रभु उनको बंधुआई में भेज देते ताकि वहां पर वो वैसी पूजा भी ना कर पाए और पति पत्नी ही संपर्क में जाकर बच्चे पैदा करें, और कई वर्षों तक उनका जीन ऐसे ऐसे करके बचाकर प्रभु ने वहां पर जोर रखा। आपको लगता है वो बंधुआई थी, नहीं है, खुदा का प्रबंध था। आपको लगता है वो पीड़ा थी, नहीं है, प्रभु का प्रबंध था। आपको लगता है वो जल प्रलय था, मेरे भी आप मिश्चर रहना चाहते थे क्या, खुदा का धन्यवाद वो प्रलय आया, मनुष्य बचता ही नहीं इतने हजार वर्ष बाद। प्रेज द लॉर्ड। और वो इतने बड़े बड़े थे, इतने बड़े बड़े थे, एक छलांग में शायद वो पहाड़ पर चढ़ जाते, खुदा ने दुनिया के सारे पहाड़ दबा दिए। और केवल 15 हाथ ऊंचे क्यों, मतलब 15 हाथ बोलते ऊंचे तो होंगे, 10 हाथ ऊंचे होंगे पहाड़ से, पहाड़ भी डुबा दिए, माउंट एवरेस्ट डुबा दिए खुदा ने। ये सब हुआ बाइबल में ताकि आज आप यीशु के द्वारा उद्धार पा सको। आप पैदा तो होते लेकिन शरीर दूसरा होता, आत्मा तो वही रहती लेकिन शरीर दूसरा होता। आप मनुष्य नहीं होते तो वो मनुष्यों के लिए जान दे सकता है और किसी के लिए नहीं। क्यों उस जल प्रलय के समय यीशु मसीह नहीं आए, क्योंकि वो मनुष्य नहीं थे, परमेश्वर के स्वरूप में थे ही नहीं, स्वर्गदूतों के स्वरूप में थे वो लोग, दानव थे वो लोग, तो स्वर्गदूतों के लिए प्रभु ने कभी जान दी नहीं, तो दे भी नहीं सकते, इसलिए उनके लिए कोई बचाव था ही नहीं, उनको मार देना ही काफी था, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु के बच्चे हो, खुदा की सोच और विचार था है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। वो जो चाहता है वो करता है और उसके किए हुए को कोई रोक नहीं सकता कभी। यदि आप समस्या में हो, वो समस्या आपके लिए बैस से। प्रेज द लॉर्ड। इसराइली को हमेशा तकलीफ हुई, क्यों, क्योंकि उन्होंने बुराई की, बुराई के द्वारा प्रभु तकलीफ नहीं करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। जैसे अचार को आप एसिड में डाल दो तो खराब नहीं होता, खुदा ने ऐसे ही डाल के रखा, प्रोटेक्ट किया। सिरका क्या है, एसिड, सिरका डालते अचार में ताकि वो खराब ना, फफूंद ना लगे। खुदा ने उस ब्रीड को ऐसे अचार की तरह पीड़ा में रखा लेकिन उसको प्रोटेक्ट करके रखा। यह प्रभु की विशेष सिद्ध इच्छा जो आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आप होशंगाबाद में हो प्रोटेक्ट होने के लिए, आप इस कलीसिया में हो प्रोटेक्ट होने के लिए, आप यहाँ हो प्रोटेक्ट होने के लिए। दुख है, तकलीफ है, समस्या है, पीड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोटेक्टेड हो खुदा के चरणों में। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो, खुदा कहाँ कहाँ से आपको लेकर आया और कलीसिया में रखा था कि आप प्रोटेक्टेड हो जाओ उसके दूसरे आगमन तक के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रोटेक्टेड करना चाहता है, प्रोटेक्टेड करना चाहता है। कलीसिया क्या है, एक प्रकार की वो बरनी जहां पर आपको फफूंद ना लगे, आपको पीड़ा होती है वहां पे, लेकिन इससे बाहर मत जाना। अचार जैसे ही बाहर निकलता है वो फफूंद जाता है। आपकी सुरक्षा कलीसिया है, आपकी सुरक्षा प्रभु है। यहां तकलीफ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उससे सीखो, उस स्त्री से जो बाद में बोलती है मैं मारा हूं, मैं नाऊं भी नहीं हूं,
क्यों? क्योंकि एरिस्टोटल को छोड़कर कहां चलेगी? वहां के देश में चलेगी। उसने अपने दोनों बच्चों और पति को खो दिया, वापस से यरूशलेम में आ गई। अच्छा यहां पर अकाल भी पड़ जाए, कलीसिया में छोड़ दी, चाहे यहां पर कैसी स्थिति आ जाए, कलीसिया में छोड़ दी, कंडीशन ऐसी आएगी आप ये कलीसिया छोड़ दो, मत छोड़ो। कई बार मेरे साथ ऐसी परिस्थिति आती है, मैं कहता हूँ प्रभु कि मैं तो फील ही नहीं कर रहा हूँ आपको, और मैं चर्च में जाके खड़ा होकर करूंगा क्या? आज मैं यही फील कर रहा हूँ कि मैं सेवा भी नहीं कर सकता आज, मैंने इतना भी आपकी उपस्थिति को फील नहीं किया आज, आधे से आराधना चलते मैं पीछे खड़ा हो गया। मुझे कई बार कन्विंस किया जाता है कि बस रहते नहीं कर पाएगा सेवा, अभी करो, आओ बैठो, सुनो, बैठो, प्रभु की दृष्टि पाओ, खुदा के लिए आप क्या हो वो देखो, और प्रभु के पीछे पीछे चलते जाओ, और बस ये याद रखो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं जाएंगे। आपको दृष्टि लगानी है प्रभु की और प्रभु की बातें की ओर। प्रभु का वचन कहता है फिलिप्पियों उसका 4:8 में इस रीति से लिखा हुआ है कि जो जो बातें हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें स्वभावनीय हैं, जो जो बातें मनभावनीय हैं, जो जो बातें सद्गुण प्रशंसा की बातें, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। कलीसिया एक वो जगह होना चाहिए जहां पर नेगेटिविटी की बात ही ना हो, नेगेटिविटी की चर्चा ही ना हो, जो बातें सत्य हैं, पवित्र, स्वामी, मनभावनीय हैं, प्रशंसा की बातें, सद्गुण की बातें, महिमा की बातें, हर एक अच्छी बातें। चर्च में केवल वो बातें होना चाहिए जो पवित्र हैं, स्वभावनी हैं, मनभावनी हैं, सद्गुण प्रशंसा की बातें। सद्गुण, आप में से सब में सद्गुण है, हम अपने अवगुणों की बात क्यों करें? प्रेज द लॉर्ड, आप में से सब ने कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का काम किया है, लेकिन हम प्रशंसा की बातें करें, प्रभु का वचन कहता है। आप फोकस ना करें नेगेटिविटी पर, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, ऐसा कोई धरती पर नहीं जिसने पाप नहीं किया, फिर भी तो सब खाली नहीं है, फिर भी लोग सब जा रहे हैं, तो फिर क्यों दृष्टि कर रहे हैं उन चीजों की ओर जिनको खुदा नहीं, खुदा भूल गए थे। चलान के पास ट्रॉफी है कि भाई साहब उस दिन उस समय इतने बजे वहां पर छुपकर वो बात किया था, प्रभु भूल चुके हैं, आप भी भूल जाए, प्रेज द लॉर्ड, उसको याद करने दो, वो तो पास पास में जीता, हम तो प्रेजेंट में प्रभु को देखते जी रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हम तो प्रभु के लोग हैं भाई, हम तो प्रभु के लोग हैं भाई, है ना। मूसा, मूसा कब बने? पहले उन्हें खून किया, मूसा से खून हो गया, दोनों की हत्या हुई थी, खुदा ने क्या उस चीज को याद रखे? नहीं, प्रेज द लॉर्ड, भूल जाए आप अपने कहते हो, सब भूल जाए। आपकी सक्सेस इस बात में कि आप ये याद रखें कि आपने कोई गलती को देखी, प्रेज़ द लॉर्ड। और यदि आपको लगता है कि आपने की है, इसका मतलब आप सही रीति से साफ नहीं हुए, या फिर आपको ये लगता है प्रभु यीशु के लहू में इतनी ताकत नहीं है कि आपके उस पाप को क्षमा कर दे जो आपको लगता है बहुत बड़ा है। अब इन दोनों में से कौन सी बात है मैं नहीं जानता, कन्विंस हो जाए यीशु के लहू में इतनी ताकत है आपके सारे पापों को क्षमा कर दे, और क्षमा कर दे तो फिर भूल भी जाए, और हमसे भी इतनी दूर कर दे जितना उदयाचल सस्ता जल दूर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमने कोई पाप नहीं किया, वाह, ये बिलीव है, दिख नहीं रहा तो क्या हुआ, ये बिलीव है। प्रेज द लॉर्ड, निष्कलंक हो गए हम, प्रेज द लॉर्ड, निष्कलंक हो गए, प्रेज द लॉर्ड। न्याय किस बात का होगा? कार्यों का, पापों का नहीं, कार्य। प्रेज द लॉर्ड, आपको क्या लगता है पापों का न्याय? प्रेज द लॉर्ड, कामों का क्या? इस ओ सॉरी लॉर्ड, इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता, मैं कोई गलत चीज नहीं करता, जैसा आपको लगता है वैसे ही आप सोचें, प्रभु का वचन से पढ़ें और वैसे ही आप सोचें, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यदि आपके पापों का हिसाब दिया जाता तो कोई स्वर्ग मिला, ये बात है, ये बात तो है, क्योंकि इसमें के बाद भी हमसे गलतियां होती है, उसके बाद भी हम बिल्कुल अनिजाति से जीवन जीने लग जाते हैं, और सबके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा दौर आता है जब आपको लगता है कि अब आप इससे उठ नहीं, तो क्या हम पाप करते हैं? पौलुस कहते हैं बिल्कुल नहीं, हम एक बार पवित्र हो गए, दोबारा हम गलती ना करें, दोबारा हम पाप ना करें, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु का लहू हमारे सारे पापों को ऐसे मिटाता है जैसे हमने वो पाप कभी नहीं किए, कभी नहीं किए, कभी नहीं किए। विश्वास करें आप पवित्र हो गए और अब ऐसा जीवन जिए जिससे आप पवित्र हैं और परमेश्वर के लोग हैं और दोबारा पाप ना करें। आपके लिए खुदा की दृष्टि ये है कि आप पवित्र हैं, आप वही दृष्टि को लेकर चलें कि आप पवित्र हैं। आपके लिए खुदा को ये भरोसा है कि आप गलती ना करेंगे, आप भी अपने लिए ये भरोसा रखें कि आपसे गलती नहीं होगी, और फिर भी यदि कहीं ना कहीं चेतन मन से अब चेतन मन से चेतन मन पे आ जाओगे तो गलती कर ही दोगे, तो भी आपको क्षमा मिल सकती है, प्रभु आपके साथ है। नहीं नहीं सुराज भी एक आदत हमें अच्छी लगती,
स्वराज भैया का वो तरीका हमें अच्छा नहीं लगता, या प्रचार में हमें वो कुछ कुछ चीजें प्रचार में हमें अच्छी लगती। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए, जो बातें सत्य हैं, मतलब झूठ भी होता है। कलीसिया में देखो क्या क्या प्रचार हो सकता है, झूठ, अनादर, आदर नहीं का उल्टा अनादर। कलीसिया में झूठ कभी नहीं होना चाहिए, अनादर कभी नहीं होना चाहिए, अनुचित बात जिसको कोई चित नहीं है, उचित नहीं है जो चीज, अनुचित फालतू की बात, फालतू की बात सोचना, फालतू की बात बोलना कलीसिया में नहीं होना चाहिए। अपवित्र बातें कलीसिया में नहीं होना चाहिए, केवल पवित्र बात। सुहावनी बातें, करप्ट करने वाली बातें नहीं, आपके वातावरण को खराब करने वाली बातें नहीं। यहां से प्रेज़ लॉर्ड करके जाओगे, रस्ते में जाओगे, घर भी जाओगे, तो वहां पर आप अपना एटमॉस्फेयर बना के रखो। मन भावनी बातें, मन को भावने वाली बातें, मन को खतरनाक रीति से पीड़ित करने वाली बातें नहीं सोचना कभी। मन भावनी बातें सोचो, सद्गुण की बातें, हर एक के अंदर सद्गुण है, देख लो और उसको बढ़ाई करो, उसको उसको ऊपर करो, उसको एग्जॉल्ट करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक के अंदर अच्छी चीज है, उसी को देखो, उसी पर फोकस करो। क्या होगा, आपको उसकी अच्छाई के कारण आप अच्छे हो जाओगे, क्योंकि जैसे आप देखोगे ना, जहां आप देखोगे आप वैसे हो जाओगे। किसी की लाइफ की अच्छाई को देख लो, ढूंढ लो आप, एक तो होगी यार, एक तो होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझ में एक तो अच्छी चीज होगी। देखो गलत चीजें देखते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, सद्गुण देखो। नहीं 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 नहीं, हमारे पास कई फोन कॉल आने लगते हैं, भाई साहब पास्टर साहब ने आपके पास्टर साहब के लिए ये प्रॉब्लम है, उनको समझाओ थोड़ा सा, है ना, आपके पास्टर साहब की ये प्रॉब्लम है, उनको समझाओ थोड़ा सा। लोग है ना प्रेयर रिक्वेस्ट के बहाने आपकी दृष्टि बदल देते, बड़ा धोखा होता है आप लोगों के साथ। नहीं 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 नहीं, कोई दोष नहीं लगा, अरे प्रभु क्षमा करें, पहले ही क्षमा मांग ली, प्रभु क्षमा करें, केवल प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, आपने ढंग से गई ना बंदा करने वाला, आपने बस गंदी बात ट्रांसफर की, सद्गुण नहीं दिए, पवित्रता नहीं दी, मन भावनी बात नहीं सुनाई, नेगेटिव बात सुनाई, और वो करप्ट हो गया, अब वो तो फील्ड हो गया, उसके मन में चलते 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 वो इतना खराब हो गया, अब वो खुद भी संक्रमित हो गया, अब वो संक्रमण फैला है, इसको लगाओ कौन मेरे को प्रशंसा की बातें, तारीफें होना चाहिए कलीसिया में, ओ वाह गुड, अच्छा पहने हो, अच्छे दिख रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेज लॉर्ड। मैंने इसी कहा, लोग चाहे अच्छे दिखे नहीं दिखे, मैं बोलता हूँ अच्छे दिखे, मुझे उनके कपड़े को देखकर अच्छे नहीं बोलना है, वो प्रभु के बच्चे हैं इसलिए वो अच्छे हैं, वो हमेशा ही अच्छे होंगे। खुदा की दृष्टि से उनको अच्छा कहो, अच्छा देखो, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, यही आज का वचन है। आप किस पर ध्यान लगाते हो, किस पर दृष्टि करते हो, नेगेटिविटी की ओर मत देखो, पॉजिटिविटी की ओर देखो। आप वो देखो जो प्रभु दिखाना चाहते हैं, आप वो सुन जो प्रभु सुझाना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रभु कि आप वो ही देखो जो प्रभु ने लिख दिया है, और वो ही देखो जो प्रभु कर रहे हैं। कई बार हमारी दृष्टि इस बात पर ज्यादा होती कि शैतान क्या कर रहा है, इस बात पे कम होती कि प्रभु क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, फिरौन क्या कर रहा है दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है खतरा है, लेकिन प्रभु क्या कर रहे हैं, कई बार लगता है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहे, तो भी आप शांत बने रहो, वेट करो कि प्रभु क्या कर रहे हैं, आपको पता चले। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको नहीं लगता कि प्रभु भी काम करते होंगे, वो तो उठते भी नहीं सोते भी नहीं, आपको पता है शैतान को भी बल चाहिए होता है, प्रभु को बल की जरूरत नहीं, वो खुद बल है। प्रेज़ द लॉर्ड, दुष्टात्मा शिफ्ट में काम करती है और सोती है, खुदा को कोई शिफ्ट की जरूरत नहीं, वो हमेशा जागता हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, शत्रु थकता है, खुदा नहीं थकता। प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमेशा ऐसा है, हमसे नहीं बदल सकती, आप उसे नहीं बदल सकते, उसके प्रेम को आप कम नहीं कर सकते पाप करके। प्रेज़ द लॉर्ड, वो हमेशा एक सा परमेश्वर है, उसकी ओर दृष्टि करो ना बस। आप उसको देखो ना जो कभी नहीं बदलता, आप उसको देखो ना जो कभी चेंज नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, आप अच्छा करो तो भी वो अच्छा है, आप बहुत बुरा करो तो भी वो अच्छा है, और उतना ही अच्छा जितना अच्छा करते मैं आपने उसको अच्छा पाया है। और मैं आपको एक बताऊं, अच्छा करने में शायद आप उसको इतना अच्छा ना पाओ, लेकिन बुरा करने में आप उसको उस बुराई से अधिक अच्छा पाओगे। Praise the Lord, क्योंकि जिसके ज्यादा पाप क्षमा होते हैं वो ज्यादा चुंबन करता है, प्रभु आई लव यू।
क्योंकि उसको लगता है प्रभु ने मुझसे ज्यादा प्रेम किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को मुझ पर ज्यादा अनुग्रह है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मैं पापी ज्यादा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, और उसके कहते हैं मैं सबसे बड़ा पापी, मैं सबसे बड़ा पापी। चेतन मन कह रहा है सारी चीजें, लेकिन अब चेतन मन कह रहा है मैं प्रभु का दास हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आपकी दृष्टि प्रभु आज बदल दे और आप केवल पॉजिटिव बातों की ओर ही देखो और केवल प्रभु की बातों को और प्रभु को देख कर चलो। आप खुदा के लिए क्या हो ये बात मैंने रखती, आप लोगों के लिए क्या हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो जाए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो परिस्थिति आज ऐसी है, कल बदल जाएगी, परसों फिर वैसी हो जाएगी। आप अपनी दृष्टि बदलो, खुदा की ओर देखो, जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। आप केवल किसी को मत देखो, पास्टर को भी मत देखो, वो भी गिरेंगे, पास्टर भी गिर सकते हैं। आपके पास्टर गिर जाएंगे तो आप भी गिर जाओगे। आप किसको देखकर चल रहे हो? यीशु मसीह को देखकर चलो। प्रेज द लॉर्ड, आपको पास्टर इसलिए दिए गए ताकि आप यीशु की ओर देखना शुरू कर दो। प्रेज द लॉर्ड, पास्टर की दृष्टि बदली ताकि खुदा आपके बीच में भेजकर आपकी दृष्टि को बदले। अब आपकी दृष्टि बदल गई तो आप मनुष्यों को देखना, परिस्थिति को देखना छोड़ दो, आप केवल यीशु मसीह को देखना शुरू कर दो। क्योंकि प्रभु ने आपको सिद्ध लोगों के बीच में नहीं रखा, कलीसिया पापियों का झुंड है, पता है आपको। प्रेज द लॉर्ड, आप यहाँ पर धर्मियों को क्यों खोज रहे हो भाई, यहाँ पर पापी लोग बैठते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, वो पापियों के लिए आया था, पापियों के लिए मरा था और पापियों के लिए जान दी थी और उसके साथ रहने वाले चारों तरफ पापी ही थे। प्रेज द लॉर्ड, आप यहाँ पर धर्मियों को खोजने की कोशिश मत करो, हम सब बड़े पापी हैं और जहाँ पर जो स्टेज पे रहते हैं वो ज्यादा पापी होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आपके हेड होते हैं पाप में। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु क्षमा करें। लेकिन हम क्यों एक दूसरे को टोच रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बुरी बातें बोल रहे हैं? अच्छी अच्छी बातों की ओर देखो ना, संसार में तो सब जगह बुराई है, हमारे बीच में तो अच्छा ही अच्छा ही हो। हम तो एक दूसरे का आदर करें, हम तो बच्चों का आदर करें, हम तो छोटों को उठाएं, हम तो लोगों को उठाएं, कलीसिया में लोगों को एक दर्जा मिले, कलीसिया में सब लोग एक सोच के साथ हों, यहाँ कोई बड़ा छोटा ऊपर नीचे नहीं हो, हम सब प्रेम के साथ रहें और प्रभु की ओर देखें, अच्छी बातें करें और खुदा की ओर देख कर चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रारंभिक कलीसिया तो कमाती थी तो ये नहीं बोलती थी कि भाई मेरे को मैंने कुछ कमा लिया, वहां पर तो जो कुछ होता था पेमेंट ला के डाल दिया, दिल लो भाई साहब जैसा जैसा प्रबंध करना कर लो, हंडी में खाना सब का एक साथ बनता था, एक साथ खाया करते थे, एक साथ भजन करते थे, एक साथ स्तुति करते थे। उन लोगों ने कैसा एटमोसफियर बना लिया था, हम चाहे सैलरी नहीं बांटी, एटमोसफियर तो अच्छा बना सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आप समझ रहे हैं? कलीसिया वो एटमोसफियर होना चाहिए जहां पर आपको लगे यहां पर जीवन है। कलीसिया वो स्थान होना चाहिए जहां पर आपको लगे यार यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही। कलीसिया वो स्थान होना चाहिए जहां पर आपको लगे कि यार आपकी वैल्यू यदि कहीं है तो कलीसिया में। आपको लगे कि बहुत बुरा फील हो रहा है, मैं जाकर मैं संगति कर लूं कहीं किसी से तो मुझे पता चले मैं कौन हूँ। प्रेज लॉर्ड, कलीसिया आपको बहुत अच्छा समझे, कलीसिया आपको बहुत योग्य समझे। प्रेज लॉर्ड, पॉजिटिव बातें हमारे बीच में होना चाहिए और खुदा की ओर हमारी दृष्टि होना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, क्योंकि आप लोगों को तब अच्छा समझोगे जब आप पहले खुद खुदा को देख लोगे। आप खुदा को देखोगे, आपको खुदा का प्रेम मिलेगा, वो प्रेम आपके अंदर आएगा, आप वो प्रेम बांट सकते हो लोगों से। आप खुदा को देखोगे, आपको ज्योति मिलेगी, वो ज्योति आप बांट सकते हो लोगों से। जब भी स्वर्गदूत आए, कई कई बड़े बड़े दास उन स्वर्गदूतों के आगे झुके और उन्होंने क्या कहा, ऐसा मत करती हूँ क्योंकि तू मेरे तेज को देख कर झुक रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं उस खुदा के सम्मुख रहता हूँ जिसका तू सेवक है। प्रेज़ द लॉर्ड, दंडवत उसे कर, मेरा तेज उससे है, मेरा नूर उससे है। प्रेज लॉर्ड, वो जो सर्वांग सुंदर था खुदा से दूर रहकर क्या वो सुंदर है? इसका मतलब आपकी सुंदरता प्रभु यीशु है। प्रेज लॉर्ड, तारे चमकते हैं उसके तेज से। प्रेज लॉर्ड, स्वर्ग में सूरज की जरूरत नहीं, परमेश्वर ही वहां का तेज है, वहां रात नहीं होती, खुदा वहां रहता है। प्रेज लॉर्ड, आपके पास जीवन है क्योंकि आप प्रभु से जुड़े हुए हो। आप खुदा को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, पानी को नहीं चल सकते हो। खुदा की ओर से दृष्टि हटाओगे आप डूब जाओगे। आप हमेशा खुदा की ओर दृष्टि करो, जो कि पाओ आज कभी कभी ज्यादा नहीं हो। और केवल पॉजिटिव बातें सोचो, नेगेटिव बातें नहीं। आपके परिवार में कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। कल मेरी माँ एक वीडियो सुन रही थी, मैं सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा था। वो बहन प्रभु यीशु में आ गई और उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद भी बोलती हमारी लाइफ में सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी बोलती सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, और प्रभु ने सब ठीक कर दिया, सब ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी हमारी एक परिस्थिति ऐसी हो गई थी जब लोग हमसे पूछ रहे थे अरे क्या हो गया, क्या हो गया, सब ठीक है, सब ठीक है। अभी हमने हमें पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है। प्रेज द लॉर्ड, आज पांच तारीख हो गई है, हमें 10 तारीख को मकान खाली करना, हमें नहीं पता कहाँ जाना है लेकिन हमें पता है प्रभु हमारे साथ है, सब ठीक है।
ऑल इज वेल, हमेशा सब ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। बाद में उस स्त्री की परिस्थिति ऐसी हो गई कि सब ठीक हो गया होगा भाई, जैसे कि पहले ठीक नहीं था तो भी मैं बोलती थी ठीक है। आप क्या बोल रहे हो लोगों को, सद्गुण की बातें, आदर की बातें, प्रशंसा की बातें कि नेगेटिव बात, दोष वाली बात, मुझसे गलती हो गई, उससे गलती हो गई, भूल जाओ, क्षमा कर दो, आगे बढ़ो और आप वातावरण बनाओ। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य क्या है पता है, वातावरण में रहने वाला एक प्राणी। प्रेज द लॉर्ड। वातावरण क्या है, खुदा की उपस्थिति। प्रेज द लॉर्ड। उसके बिना आप करप्टेड हो, आप बिल्कुल लूफोल में फंस जाओगे, आप ऐसे ऐसे दुख में फंस जाओगे जहां पर दुख 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 ही दुख रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इज़राइल को सबसे पहले क्या दिया परमेश्वर ने, बादल दिया, रात में और दिन में हमेशा उपस्थिति दी। प्रभु सिखाना चाहते हैं, मिस्र से निकल गए हो, अब उपस्थिति में रहो हमेशा। प्रभु ने आदम को जब बनाया मिट्टी से, अपनी उपस्थिति में बनाया, पहली सांस उसने खुदा की प्रेजेंस में ली, पहला दिन उसका विश्राम दिन था, सब कुछ खुदा से रिलेटेड था। अब आप खुदा के बिना नहीं जी सकते मेरे, अब आप खुदा के बिना नहीं जी सकते मेरे प्रियो, अब आप खुदा से दूर जाकर रह ही नहीं सकते मेरे प्रियो, अब आपको खुदा की ही जरूरत है मेरे प्रियो, अब आपको उसके बिना कहीं जीवन दिख ही नहीं सकता, कोई आपको कुछ दे ही नहीं सकता, कहीं आपका भला हो ही नहीं सकता, केवल यीशु मसीह में ही आपका जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे बीच में प्रभु है तो हमारे बीच में जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया वो स्थान है जहां पापी बैठते हैं, पहली चीज पापी बैठते हैं लेकिन प्रभु के लिए बैठते हैं, और वो पापियों के बीच में तब भी रहता था, आज भी आ जाता है, क्यों, क्योंकि उनके पापों को वो क्षमा कर देता है और उनके बीच में आ जाता है। दोष लगाना बंद करें, हम तो पापियों का झुंड है जो धार्मिकता के लिए बचाए गए। प्रेज द लॉर्ड। हम वो झुंड है जो योग्य नहीं थे इसलिए बचाए गए, ताकि जो योग्य थे वो लिप्सित हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जो कलीसिया को सताते थे प्रेरित बन गए, जो तीन बार इनकार किए मुख्य पास्टर बन गए। आप क्या ढूंढ रहे हो आज कलीसिया में, आपको सिद्धता चाहिए, कलीसिया की सिद्धता जीसस है। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया जीसस को देखेगी तो सिद्ध है, नहीं तो कमियां ही कमियां है। प्रेज द लॉर्ड। नीचे मत देखो, ऊपर देखो, ऊपर सब कुछ अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। बस खुदा क्यों देखो, बस खुदा क्यों देखो, बस खुदा क्यों देखो, बस खुदा क्यों देखो, पास्टर क्यों मत देखो, बस खुदा क्यों देखो, बस खुदा क्यों देखो। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा कैसे आपको देखता है, लोगों को देखता है, वो दृष्टि मांगो, फिर उनसे वैसे बात करो, आप क्या हो खुदा के लिए, ओ प्रभु मुझे बता ये दास क्या है यार तेरे लिए, वाह, तब दृष्टि मिलेगी और तब हड्डियां भाग जाएंगी, बाप रे बाप। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिर हिम्मत नहीं होगी किसी के लिए कुछ सोचने और बोलने की, भाई खुदा आपके लिए ये दास क्या है मुझे ये बताओ, वाह। प्रेज लॉर्ड। आपके लिए मेरा भाई क्या है मुझे ये बताओ। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। खुदा की दृष्टि आज आपको मिले, आपकी दृष्टि खुदा पर बनी रहे, सद्गुण और अच्छी अच्छी बातों पर आपका फोकस रहे, सारी नेगेटिव बातें से फोकस हट जाए, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। अपने स्थानों पे खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपके पावन चरणों में आकर दुआ करते हैं, आज के दिन हम में से हर एक की दृष्टि को बदल दे, आज हम नेगेटिव बातें देखना बंद कर दें और हम नेगेटिव बातें सोचना बंद कर दें, आज हम केवल आपको देखना शुरू करें, पॉजिटिव बातें देखना शुरू करें, आपकी दृष्टि में लोग क्या है हम वैसे उनको देखने लग जाएं। प्रभु जी हम सब पापी है लेकिन आपने हमें धार्मिकता दे दी है, आज हम वो धार्मिकता देखने लग जाएं, आज हम कलीसिया में आपको देखने लग जाएं, आज हम विश्वासियों में आपको देखने लग जाएं, आज हम पास्टर्स में हम आपको देखें, आप लोगों के जीवन में हमें दिखाई दे, हमारी दृष्टि बदल दे, हमारा अवचेतन मन शुद्ध कर कि हम तुझे देखें और हम तेरी दृष्टि करें। परिस्थिति बहुत नेगेटिव है पर नहीं पड़ता, आप हमारे साथ हैं, हम आपकी ओर देखें, हम आपकी ओर निहारें, हम आपकी ओर दृष्टि करें। प्रभु मेरी दृष्टि को बदल, प्रभु से कहें प्रभु मेरी दृष्टि को बदल, प्रभु मेरी दृष्टि को बदल, हमारी दृष्टि को बदल, एक अच्छी सोच के साथ अच्छा वातावरण बना के रखें, हमें ऐसा वातावरण दे, ऐसी बुद्धि दे, पॉजिटिव बोलें ताकि अंधकार हमारे बीच में आने ही ना पाए, हमारे शब्दों से किसी शत्रु को बल ना मिले, हमारे शब्दों से आपके दूतों को बल मिले, आपकी उपस्थिति बहे, अच्छा वातावरण बनाना हमें सिखाएं, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।